ओ भाई नेक्स्ट लेवल ऑफ रोड। क्या व्यू है यार। वंस मोर पूरा पेड़ पे बिल्ड किया है। वेलकम टू सोचीपरा वॉटरफॉल्स। ओ भाई 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 पूरा चलने के बाद ये देखो पाइनएप्पल जूस है, ब्रेड, इसमें क्या है, डोसा, सांभर, इसमें भटूरा आएगा, भटूरा मसाला, उपमा, आलू पराठा। बस अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम लोग और आज ब्रेकफास्ट में कुछ डिफरेंट है कल से। अब मिलते सीधा ब्रेकफास्ट के बाद। चलो भाई, उनको बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल रूम। बाय बाय। ग्लास डोर ब्रिज, वेलकम टू ग्लास डोर ब्रिज। ओ भाई साहब, 4x4 है क्या ये? कहाँ से होता है? यहाँ से। अभी 4x2 है। 4x4 कब करोगे? 1200 चार्जेस है पूरी कार का, अराउंड 7 to 8 किलोमीटर है। ओ क्या ऑफ रोड है भाई। भाई यहाँ पे रास्ता बनाया नहीं है क्या गवर्नमेंट ने? ऑफ रोड है ना। नहीं, ये रास्ता तोड़ा हुआ लग रहा है, तोड़ दिया ऐसा लग रहा है। अच्छा बन रहा है क्या रास्ता? ओ भाई नेक्स्ट लेवल ऑफ रोड। मिक्सचर हो गया, मिक्सचर। Yes. ओ भाई पूरा यहाँ पे ऑफ रोड, यहाँ पे खाई। ओ भाई खतरनाक स्लोप स्टार्ट हो रहा है अब। आई एम प्रिपेयरिंग यू मेंटली। तो यहाँ पे ऊपर 7 to 8 किलोमीटर्स है पूरा ऑफ रोड। तो ये है पुरानी वाली थार, सारी थार ही है पुराने वाली थार। और यहाँ पे एडल्ट के लिए 200 फॉर ग्लास ब्रिज। एंड स्विम के लिए 100 और ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें कवर हो जाएगी। ओके ओके, नहीं ये सारी एक्टिविटी 200 में कवर हो जाएगी। ओके, झूला मनाएंगे। आई लव माई लाइफ मोर देन एनीथिंग, मोर इस रिस्क है तो सजा है। ओ भाई पूरा ग्लास ब्रिज है, पूरा स्वागत है सबका ग्लास ब्रिज पे। बहुत ही ठंडा लग रहा है पानी। ओह क्या व्यू है यार। ओह पूरा वहां तक व्यू है। यह है ग्लास ब्रिज, ये है यश, ये है पूरा व्यू। ये है ग्लास ब्रिज, ये है पूरा व्यू। हाँ मैं लोग ग्लास डोर ब्रिज डन। अब है झूले की बारी, झूले में बैठे की ख्याति। ओ ख्याति गुड लक। अब है ख्याति की बारी। एक और बार भैया, एक और बार। वंस मोर
वंस मोर ख्याति। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में ख्याति आया जो ख्याति, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वेरी नाइस। डेंजर नथिंग। चलो भाई, बारिश आ गई अभी। अब ट्री टॉप व्यू पॉइंट वहाँ पे है, व्यू पॉइंट पूरा वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या है। ओह, ये पूरा पेड़ पे है, पूरा पेड़ पे लटकाया है, ये बिल्ड किया है, ये देख सकते हो पूरा पेड़ पे बिल्ड किया है। ट्री टॉप व्यू पॉइंट, लेट्स गो। तो ये कुछ व्यू है ऊपर से। यस। तो ये है आर्चर शूटिंग पे जा रहे हैं हम लोग, राइफल शूटिंग। शाबाश। एक ओवर फाइनल। अल छे भाई, चलो लाइ दर्शन नवार। ओह गोल, ये जो है ये 4x2 और 4x4 को कन्वर्ट करने के लिए ओल्डर थार में ये वाला आता है सिस्टम। ओ तो ये वाली थार में गए थे हम ऊपर, बहुत ही भाई खतरनाक एक्सपीरियंस रहा। मुझे तो एडवेंचर में ज़्यादा मज़ा आया, ऑफ रोड में ज़्यादा मज़ा आया ग्लास ब्रिज, उससे ऑफ रोड में मज़ा आ गया थार में। चलो अब हम जाएंगे वाटरफॉल जाएंगे अब हम। और अभी बज गए हैं 12 बज गए। चलो सोचीपरा वाटरफॉल्स, वेलकम टू सोचीपरा वाटरफॉल्स। यहाँ पे एडल्ट के लिए 65 है, बाकी का सब देख लेना। और कार से थोड़ा ऊपर है यहाँ पे, और ये पार्किंग एरिया है पूरा, 40 रुपीज कार पार्किंग। आया जो क्या थी वीडियो कैमरा, नोट काटी नहीं को वीडियो कैमरा है लाइट। ओ मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग है, बैग वगैरह चेक कर रहे हैं। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे बैग मत लाना, क्योंकि थोड़ा बहुत वॉकिंग एरिया भी है और चेक इन भी है, और कैमरा और वीडियो के लिए एक्स्ट्रा रुपीस पे करना पड़ेगा। वाओ, जस्ट आवाज सुनो सब बर्ड्स की। तो ऐसा है पूरा नेचर। अभी सीधा चलते हैं वाटरफॉल्स पे। पूरा रास्ता नीचे तक है, और अभी जाने में तो दिक्कत नहीं होगी, आने में वापस आने में बहुत दिक्कत होगी। वो पूरा ऊपर तक लेके नीचे, और ये पत्थर। ओ भाई वाटरफॉल बहुत नीचे तक है।
ओ भाई 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 पूरा चलने के बाद ये देखो मेरे पीछे वाटरफॉल। थोड़ा आगे तक जाएंगे वक्त आ गया है ब्यूटीफुल वाटरफॉल को बाय बाय बोलने का। बाय बाय कहती मज़ा आया बहुत अच्छा था है ना बहुत बड़ा बहुत मस्त एक्सपीरियंस रहा। इतना नज़दीक से हमने कभी नहीं देखा वाटरफॉल को और नीचे तक जाते दे रहे अच्छी बात है। अब भाई पूरा ऊपर ऐसे चढ़ना है ऐसे पूरा अराउंड 1.5 किलोमीटर है 1.5 पूरी कार्डियो फैट बर्निंग एक्सरसाइज हो रही है यहाँ पे एकदम। रात को इतने पैर दर्द करेंगे भाई बहुत ही खतरनाक दर्द करेंगे पैर। चलो भाई यहाँ पे सोची पर वाटरफॉल्स की जर्नी हुई खत्म फाइनली वी मेड इट। अब हम फिर से निकलेंगे बेंगलोर के लिए सीधा क्योंकि सारी जितनी डिसाइडेड प्लेस थी वो कवर कर ली। अभी हम लोगों ने ब्रेक लिया है यहाँ पे होटल श्री गुरु प्रसाद वेज रेस्टोरेंट है और ये है मैसूर ऊटी हाईवे मैसूर ऊटी हाईवे। और मैं अभी जा रहा हूँ सामने एटीएम में कैश उठाने कैश ख़त्म हो गया पूरा। ओके भाई लोग अभी बज गए 12:30 और हम घर पे पहुंच गए थे 9:30। ये वायनाड सीरीज़ में हम लोगों को बहुत 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 मज़ा आया बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। मैं आशा करता हूँ आपको ये day 3 मतलब episode 3 पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और हमारी फैमिली को हमें बढ़ाना है ठीक है तो आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिलीज सब लोगों के साथ। बहुत कुछ घूमे बहुत कुछ सीखा मैंने और आप देखना अपकमिंग व्लॉग्स में अब इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा मेरे व्लॉगिंग करने में ठीक है। तो अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और 9:30 आने के बाद हम सीधा चले गए थे खाने तो खाने के बाद सीधा मैं आ गया फिर अचानक से याद आया कि व्लॉग एंड करना ही भूल गया। तो फिर से कह रहा हूँ अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ ठीक है। मिलते हैं ऐसी बढ़िया सी दूसरी वीडियो में तब तक बाय। सबका ख्याल रखना अपने फैमिली का भी ख्याल रखना। बाय। जय हिंद।